Assalamu alaikum, this is me Tehminaz and you are watching my YouTube channel Tehminaz World. कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी ये रेड कलर का बटन दबा दें भाई, सबसे पहले तो मुझे रेड कलर के बटन की बड़ी होती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अगर नहीं किया तो इसको कर दीजिए। आज हमारी किचन में बनने जा रही है ज़बरदस्ती चिकन चाउ मेन। टेस्ट स्टाइल कैसे बनती है तो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। इसमें डलता है एक सॉस जिसकी वजह से ही टेस्ट आता है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो सॉस जो है आप झटपट कैसे बना सकते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको बोनलेस चिकन चाहिए होगा एक कप। एक कप आपको चाहिए होगी बंद गोभी, इस तरह से काट लीजिए। मीडियम साइज़ की आपको शिमला मिर्च चाहिए होगी, आपने इस तरह स्लाइसिस में इसको भी काट लेना है। गाजर आपको मीडियम चाहिए होगी, उसको भी आप स्लाइसिस में काट लीजिए। अच्छा, ये हरी मिर्चें हैं, इनके मैंने बीज सेपरेट कर लिए हैं और इसको भी स्लाइसिस में काट लीजिए। 1 टेबल स्पून चॉप्ड आपको अदरक और लहसुन चाहिए होगा। 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और सॉल्ट जाएगा एज रिक्वायर्ड। और 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा ये कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस, और ये 2 टेबल स्पून ही हमें चाहिए होगा वेनेगर। जी सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाला। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी वेनेगर, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, बिल्कुल 2-3 चुटकी इसमें जाएगा सॉल्ट, और ये अब 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और ये कॉर्नफ्लोर, इनको कर लेते हैं मिक्स। अच्छा जी, सोया सॉस वेनेगर और चिली सॉस का ये सीन है कि मुझे 2-4 दफ़ा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी आपको कितनी क्वान्टिटी जो है वो चाहिए है। अब इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स और छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। सो पीपल, जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होता है हम एक सॉस बना लेते हैं, हमें आगे चल के सॉस की ज़रूरत होगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ चिली सॉस, ठीक है जी, और 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स डालने जा रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे स्पाइसी ही मज़ा आता है। इसको मिक्स कर लेती हूँ और ये आगे चल के हमें इसकी ज़रूरत होगी। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें 3-4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। अब गर्म गर्म ऑयल में मैं डालने जा रही हूँ चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीज़ आपने आंच जो है मीडियम रखनी है, हल्की आंच में इसको नहीं पकाएंगे वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, 1 मिनट तक इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, कलर चिकन ने चेंज कर दिया है। अब इसमें चॉप जो है वो अदरक लहसुन वो मैं शामिल कर रही हूँ, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी 1 टेबल स्पून। अब इनको भी 1 मिनट मज़ीद भूना। अब इसमें मैं डालने जा रही हूँ गाजर, जैसे ही मैं गाजर डालूँगी बिल्कुल 30 सेकेंड के लिए इसको मैं भून रही हूँ। अब इसको कवर करके 10 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं करना, इतना इसको कुक करना है कि कुक भी हो जाए और सॉफ्ट वाली साइड पे भी नहीं जाए, ठीक है जी। इसलिए आप क्वांटिटी का ध्यान रखें। देखिए 10 मिनट के बाद ये पक चुके हैं। अब इसमें बंद गोभी दोबारा से फ्लेम मैंने मीडियम कर ली है, साथ ही इसमें गई शिमला मिर्चें और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ गई ये सब्ज मिर्चें, इनको करिए मिक्स। ओवर कुक मत करिएगा, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने इसको हिलाया। अच्छा जी, अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं नूडल्स, 200 ग्राम मैंने ले लिए हैं, सबको बॉईल करने आते हैं नूडल्स। सिंपली आपने उसको बॉईल करना है ठंडे पानी से गुजार के, थोड़े से 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैंने शामिल कर दिया इसमें, और आप देख सकते हैं इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब डालते हैं जो हमने सॉस बनाई थी वो वाली, इसमें शामिल करने जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, इसको मिक्स किया और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चमचे नहीं मारने वरना ये टूट जाएंगे नूडल्स भी। और ये देखिए इस तरह से इसको किया, इसको 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम में मज़ीद पकाते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। सो पीपल, बहुत रीजनेबल प्राइस में चिकन चाउ मेन बिल्कुल तैयार है। आप इसको करते हैं डिश आउट और ये मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। ऑलराइट पीपल, ज़बरदस्त चिकन चाउमीन बिल्कुल तैयार हैं, और आप इस रेसिपी को अपनी खाला पुप्पो चची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए। मुझे इजाज़त दे दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।